आज मुंबई के ब्रांद्रा वेस्ट में गेट गैलेक्सी सिनेमा हॉल में सुबह 5:30 बजे शाहरुख खान की मूवी डंकी का प्रीमियर शो हुआ। इस प्रीमियर शो को देखने सुबह सुबह हजारों दर्शक पहुंचे, साथ में बॉलीवुड के कई सितारे भी नजर आए। सभी का कहना था कि शाहरुख खान की ये फिल्म डंकी हैट्रिक लगाएगी। पठान जवान के बाद अब डंकी की धूम, डंकी की टंकी से निकलेगा 1000 करोड़ का पानी। सुबह सुबह दर्शकों में एक अलग खुशी झलक रही थी। फिल्म का प्रीमियर शो देखने के दर्शकों में एक अलग उत्साह दिख रहा था। बॉलीवुड के कॉमेडियन सुनील पाल ने तो यहां तक कह दिया है कि डंकी हैट्रिक लगाएगी। दर्शकों में जिस तरह उत्साह था कि लोगों ने फिल्म डंकी का स्वागत हर्षोल्लास के साथ पटाखे फोड़कर किया। ये फिल्म एक पारिवारिक फिल्म है, साथ में कॉमेडी से भरपूर है, इसे आप जरूर देखें। क्या कहना चाहेंगे शाहरुख खान की फिल्म डंकी का सुबह सुबह में प्रीमियम शो रखा गया? भैया मैंने 3 टिकटें खरीदी है क्योंकि आज शाहरुख खान का हैट्रिक है, क्योंकि आज की जो तारीख है 21, 2 फिल्म हिट दे चुके हैं, 1 देने वाले हैं, 21 यहाँ भी 3 का आंकड़ा। और ये फिल्म रोमांटिक फिल्म है, इससे पहले पठान और जवान एक्शन फिल्म थी, ये रोमांटिक फिल्म है। शाहरुख खान ने बताया कि ये रोमांटिक फिल्म है, मैंने कहा कैसे, तो बोले ये फिल्म इसलिए रोमांटिक है क्योंकि ये 21 को रिलीज हो रही है, 21 को रिलीज हो रही है। हाँ 21 डंकी, तो शाहरुख के साथ कहना चाहूंगा कि बहुत सालों के बाद फिल्म आई है डंकी जिसका नाम है डंकी, बहुत सालों के बाद फिल्म आई है डंकी जिसका नाम है डंकी। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है मंकी, जो ये फिल्म को नहीं देखेगा वो है हाँ हाँ समझ जाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और आप सबको बहुत मुबारक हो नया साल। भगवान करे, ईश्वर करे नया साल 2024 आपके लिए बहुत अच्छा जाए, आप बहुत नाम कमाए, खुशियां पाए। थैंक यू। शाहरुख खान के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? सर शाहरुख खान के बारे में बोलना चाहूंगा, डंकी आइए देखिए, राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान साहब का कॉम्बो है और ये मास्टरपीस बनने वाला है, तो आप प्लीज आइए और देखिए इस फिल्म को। और सर बाकी सब देखिए, आपको फिल्म देखने का अभी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फिल्म देखने आना चाहिए। मैं खुद आ गया हूँ यहाँ 5 बजे सुबह में आकर के वेट कर रहा हूँ कि मैं मूवी कब जाकर अंदर देखूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड उस चीज के लिए। खास तौर पर अगर देखा जाए तो प्रीमियर शो जो है या दोपहर को होता है या शाम को होता है या रात को होता है, लेकिन ये अर्ली मॉर्निंग सुबह में 5 बजे में रखा गया, तो उसकी क्या वजह है? ऑफकोर्स सर, ऑफकोर्स इट्स ओनली बिकॉज शाहरुख खान, और कोई नहीं कर सकता सर। आपने दुबई भी देखा सर बुर्ज खलीफा पे, ये काम सिर्फ शाहरुख खान साहब कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो वी लव यू शाहरुख, और आप ऐसे ही मूवी बनाते रहिए और हमें खुश करते रहिए। जिस तरह से शाहरुख खान ने आपने दी फ्रॉम SRK यूनिवर्स स्पेशल टाइम 5:55 AM का शो रखे, सब लोग अभी अंदर घुसे थिएटर में पिक्चर देखने के लिए। बहुत बहुत एक्साइटमेंट है यहाँ पे, बहुत शोर शराबा हुआ है और ढोल में सब नाचे हैं, बहुत सारा फायरवर्क शो जैसे पायरो शो हुआ, सब शाहरुख खान के ऐसे पोस्टर के पास, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं डंकी मूवी के लिए। कि डंकी जरूर देखिए, फैमिली मूवी है, बहुत अच्छी लगेगी, मजा आएगा। 1000 करोड़ कलेक्शन से 4 साल के बाद कमबैक किया था पठान और जवान से कमबैक किया है, तो ये लगता है 3000 करोड़ पूरा कर पाएगी बॉक्स ऑफिस पर इस साल में? 3000 से ज्यादा हो सके, और से बोल सकते हैं तो बहुत कम हो गया है। जी कम बोल रहे हो शाहरुख खान? लोग कहीं ना कहीं इसे सालार से कंपेयर कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।